हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विल और मस्ट के बीच का माइनर सा डिफरेंस समझेंगे। चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और यदि आपके फ्रेंड्स हों तो उन्हें शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि विल और मस्ट में क्या अंतर है, क्या देखिए विल मस्ट। हम मान लीजिए एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, राघव जाएगा। मान लीजिए हमने सिर्फ इतना कहा तो राघव विल गो। लेकिन अगर हमें कहना हो कि राघव जरूर जाएगा, या जैसा हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं पक्का जाएगा, राघव पक्का जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसी सेंटेंसों के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें कहना हो कि राघव पक्का, या फिर जरूर जाएगा। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम सेंटेंस लिखेंगे राघव मस्ट गो। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बनाया जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कोमल विद्यालय जाएगी। मान लीजिए हमने ऐसे कहा तो कोमल विल गो टू स्कूल हो गया। लेकिन यदि हमें कहना हो कि कोमल विद्यालय जरूर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जरूर की जगह पर आप और भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। पक्का बोलते हैं, अवश्य बोलते हैं, इन सारी चीजों के लिए हम यही प्रयोग करेंगे, कोमल मस्ट गो टू स्कूल। बस इतना सा डिफरेंस है विल और मस्ट में। जब भी हमें कहना हो कि वह खाना खाएगा तो ही विल ईट फूड, और वह खाना अवश्य खाएगा तब ही मस्ट ईट फूड। वेरी सिंपल। तो विल और मस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है। जब भी हमें कहना हो कि जरूर खाएगा, या जरूर करेगा, या जरूर जाएगा, अवश्य जाएगा, पक्का जाएगा, तब हम प्रयोग करते हैं मस्ट का। और यदि सिर्फ ऐसे गा गी गे आ रहा है तो हम, और उसमें अवश्य या आवश्यकता या जरूरत या बहुत जरूरी ऐसा ना कहा गया हो, पक्का ना किया गया हो, तो हम उसके लिए विल का प्रयोग करते हैं, और यदि किया गया हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो में ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो, मस्ट और विल का प्रयोग समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक छोटे से टॉपिक पर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।